नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। सो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की सीरीज जो हम चला रहे हैं इस समय, जिसमें हमने कई सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। जैसे पिछली वीडियो में हमने जो अयस्क हैं, धातु और अधातु हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। सॉरी, धातु और अधातुओं में ही के टॉपिक में हमने जो अयस्क हैं, प्रमुख अयस्क और उनके जो खनिज हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि खनिजों से अयस्कों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कौन कौन से प्रमुख आपके खनिज हैं, उसके बारे में हमने बात करी थी। तो उसी सीरीज में आज हम और जो आपका विज्ञान है, विज्ञान का एक चैप्टर है मिश्र धातुओं के बारे में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मिश्र धातुओं के बारे में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे कि मिश्र धातुएं होती क्या क्या हैं, कौन कौन सी प्रमुख मिश्र धातुएं हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो इन सब चीज़ों को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मिश्र धातु कहते किसको हैं। मिश्र धातु को हम इंग्लिश में एलॉय कहते हैं। सो मिश्र धातु का सिंपल मीनिंग है कि मिश्र धातु मतलब किन्हीं दो धातुओं का मिश्रण। वो दो धातुएं भी हो सकती हैं, दो धातुएं, एक धातु, एक उपधातु का मिश्रण हो सकता है, दो या दो से अधिक धातुओं का भी मिश्रण हो सकता है। ओके, सो ये मिश्र धातु के बारे में होता है। और मिश्र धातु के जो गुणों के अगर हम बारे में बात करें तो उसके जो फिजिकल और जो मेटालिक गुण होते हैं, जो उसके भौतिक और धात्विक गुण होते हैं, वो उसके मूल धातु के गुणों से परस्पर भिन्न एवं श्रेष्ठ होते हैं। भिन्न मतलब किससे भिन्न होते हैं। जैसे हम पीतल की बात करें तो पीतल में आपका तांबा और जस्ता होता है, तो तांबा और जस्ता का जो गुण है, सो पीतल का जो गुण होगा वो उन दोनों से अलग होगा। इसीलिए हम इनको ज़्यादातर आपने देखा होगा आज के टाइम में मिश्र धातुओं का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है हर मेटल में, हर इंडस्ट्री में। ओके, हर तरह की इंडस्ट्रीज में जो है वो मिश्र धातुओं का ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी स्थायित्व एक तो हो गया कि उसका स्थायित्व ज़्यादा होता है, ठीक। फिर उसमें एक चमक होती है जिसको हम साइन कहते हैं, तो वो साइन अच्छी होती है, ज़्यादा होती है। और श्रेष्ठ गुणों के कारण उसमें कुछ गुण ऐसे हैं जो इसको उसकी जो मूल धातु है उससे अलग करते हैं। तो इसलिए उसमें स्थायित्व का गुण होता है, ड्यूरेबिलिटी जिसको हम कहते हैं, साइन होती है, एक चमक जिसको हम कहते हैं, उसकी श्रेष्ठता किन्हीं मामलों में, वो जो उसकी मूल धातु है उससे कुछ अलग होते हैं धातु, उसके गुण अलग होते हैं। इस कारण इसको जो है जो डेली लाइफ में, आज के डेली लाइफ में आपने देखा होगा यूज होता है। आप किसी बर्तन को लेने जाएंगे, बर्तन लेने जाएंगे तो उसमें भी किसी न किसी धातु को मिलाया गया होगा, उसमें चमक आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, ड्यूरेबिलिटी आएगी। सो इस वजह से इनका उपयोग आज के टाइम में ज़्यादा हो रहा है। ओके, आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हम आज डिस्कस करेंगे, दैट इज द मिश्र धातुओं का संगठन। कुछ प्रचलित मिश्र धातुएं, प्रचलित का मतलब जो जनरली आपके एग्जाम में जहां से क्वेश्चन आता है, वो चाहे आप डीएलएड का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, टेट का एग्जाम दे रहे हो, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर आप दे रहे हो, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं। और सबसे पहले इसमें जो है आपका, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें पीतल को। ओके, देखिए पीतल और कांसा ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ओके, सो पीतल को इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश कंफर्म इंग्लिश से अगर आप समझ रहे हो, तो इंग्लिश में पीतल को हम कहते हैं ब्रॉस। ओके, पीतल को हम इंग्लिश में ब्रॉस कहते हैं। ओके, और कांसा को ब्रॉन्ज कहते हैं। कांसा को ब्रॉन्ज कहते हैं। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना, इसमें दोनों का नाम आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब अगर आपने ब्रॉस और ब्रॉन्ज को समझ लिया है, तब आप इसके कंपोजिशन पे आइए। देखिए तांबा और तांबा तो दोनों में है, ठीक है। यहां पे देखिए कि तांबा तो दोनों में है, अगर आप देखेंगे तो तांबा देखिए यहां दोनों में है। ओके, इसको हटा देते हैं, लिखने में आसानी हो जाएगी। सो देखिए यहां पे, देखिए तांबा यहां पे भी है, जिसको हम कॉपर कहते हैं इंग्लिश में। कॉपर तो दोनों जगह है, ओके, यहाँ भी कॉपर है, यहाँ भी कॉपर है, लेकिन इसमें जो धातु मिलाई जाएगी वो अलग अलग हैं। बस यही आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। देखिए पीतल का मतलब होता है ब्रॉस, सो ब्रॉस ब्रॉस किस में मिलाया जाएगा, ये मिलाया जाएगा ब्रॉस में जो है वो जिंक मिलाया जाता है, और ब्रॉन्ज में जो है वो टिन मिलाया जाता है। ओके, सो टिन का फॉर्मूला जो होता है वो SN होता है, ब्रॉन्ज का और जो जस्ते का होता है उसको हम ZN से लिखते हैं। सो आप इंग्लिश में अगर आप याद कर पाओ तो ब्रॉन्ज में देखिए
एन जेड आ रहा है, जेड आ रहा है मतलब जिंक इसमें आ ही रहा है, तो ब्रॉन्ज में जिंक नहीं मिलाया जाएगा, उल्टा रिवर्स आपको ध्यान रखना है बस। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग एग्जाम में यहीं पे होता है कि कांसा और पीतल में किस में ब्रॉन्ज मिलाया जाता है, किस में आपका जस्ता मिलाया जाता है और किस में टिन मिलाया जाता है। तो आप इंग्लिश में अगर आप कन्फ्यूज हो, हिंदी में कन्फ्यूज हो, तो आप इंग्लिश से याद कर लो। ओके, ब्रॉन्ज में जो है वो आपका जिंक मिलाया जाता है और ब्रॉन्ज में जो है वो आपका टिन मिलाया जाता है। ओके, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। ओके, सो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि आप कन्फ्यूजिंग ना हो, किसी तरह का कन्फ्यूजन रखिएगा कि ब्रॉन्ज में क्या मिलाया जाता है, ब्रॉन्ज में क्या मिलाया जाता है। ओके, फिर आपका शोल्डर है, अगर हम इसकी यूज़ की बात करें, इसका यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो देखिए, पीतल के सबसे प्रमुख जो यूज़ है उसका, वो तो है बर्तन बनाने में। आप देखे होंगे, मार्केट जाते होंगे तो आप बर्तनों को लेने जाते लेते हो, तो बर्तन वो ज़्यादातर पीतल के होते हैं। जो आपके वायर्स हैं, तार, वाद्य यंत्र, ओके, सजावट की वस्तुएं, इसमें बनाने में यूज होता है। कांसा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किस में होता है? सिक्का बनाने में। ब्रॉन्ज का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किस में होता है? देखिए, आपने जो अभी जो ओलंपिक्स चल रहे थे, पैरालंपिक्स चल रहे थे या वैसे ओलंपिक्स चल रहे थे, तो उसमें देखिए कौन कौन से मेडल आपके होते हैं। ब्रॉन्ज मेडल होता है, गोल्ड मेडल होता है, सिल्वर मेडल होता है। तो इन सिक्कों को बनाने में कांसे का इस्तेमाल होता है। जो घंटे होते हैं, घंटों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। मेडल, यही देखिए वही मेडल की बात आ गई, मेडल्स को बनाने में होता है, गहने आभूषण बनाने में। सो आपको ध्यान रखना है पीतल बर्तन बनाने में और कांसा जो है वो सिक्कों को बनाने में। ओके, और इसी तरह शोल्डर है, देखिए शोल्डर में क्या होता है? लेड और टिन होता है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन देखिए कई तरह से आता है, क्वेश्चन जो है आपका ऐसे भी आ सकता है कि शोल्डर किन दो धातुओं का मिश्रण है, ऐसे डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आ सकता है। हम डीलेट की एग्जाम बात कर रहे हैं, आपका एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि शोल्डर किन दो धातुओं का मिश्रण है। ओके, या शोल्डर मिश्र धातु में कौन कौन सी धातुएं मिली होती हैं, किसका मिश्रण होता है, तो आपको ध्यान रखना है लेड और टिन का। अब इसका उल्टा भी आपका हो सकता है क्वेश्चन, ये एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, या लिखने को भी एक नंबर में जो लघुत्तरी क्वेश्चन, अति लघुत्तरी होता है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, उसमें भी पूछा जा सकता है। आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है कि सीसा व टिन से बनी धातु मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो इसको आप उल्टा भी पूछा जा सकता है। तो आप ऐसे भी याद करिए, दोनों तरह से याद करिए। जैसे पूछे कि तांबा और जस्ते से बनी धातु को क्या कहते हैं, पीतल हो जाएगी। ओके, तांबा और टिन आपका कांसा हो जाएगा, शोल्डर का हो जाएगा सीसा और टिन, टिन और सीसा अगर होगा तो उसको हम शोल्डर कहेंगे। अब स्टेनलेस स्टील की हम बात करें अगर, तो स्टेनलेस स्टील में तीन धातुओं का मिश्रण होती है। वही हमने बात करी कि दो धातुएं भी हो सकती है, तीन धातुएं भी हो सकती है। सो स्टेनलेस स्टील में आपका आयरन होता है, ठीक, एक तो आयरन होता है प्लस क्रोमियम होता है प्लस निकल होता है। सो तीन धातुओं का मिश्रण होता है कौन, स्टेनलेस स्टील। अब स्टेनलेस स्टील का जो सबसे प्रमुख उपयोग है वो तो बर्तन बनाने में ही किया जाता है, चाकू छुरे ये सब बनाने में किया जाता है, कांटे बनाने में या उपकरण बनाने में, कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम स्टेनलेस स्टील से बनाते हैं। ओके, तो ये आपके दो तीन प्रमुख हुए, और भी हैं लेकिन ये प्रमुख चार ऐसे हैं, ये तीन शुरुआत के ऐसे हैं जो काफ़ी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसीलिए पूछे गए क्योंकि लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है। जो आप कन्फ्यूजन मत रखिएगा, क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा, जरूर मिलेगा, एक क्वेश्चन आप जरूर पाएंगे इस तरह का। ओके, और अब हम बात करेंगे इस मिश्र धातुओं के कुछ विशिष्ट गुण हैं जिनके आधार पर हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ प्रमुख गुण कौन कौन से हो सकते हैं। ओके, एक गुण तो हमने पहले ही डिस्कस किया, अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो मिश्र धातु प्रायः मूल धातु से कठोर होती है, ये एक गुण है इनका कि मिश्र धातु जिन प्रमुख धातुओं से मिलकर बनी होती है उससे ये कठोर होती है। जैसे शुद्ध सोना, जो प्योर गोल्ड होता है, वो बहुत मुलायम होता है, इसलिए इससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन सोने में थोड़ा सा तांबा, वही आ गया ना, मिलावट का बात आ गई, मिलावट जरूर की जाएगी, मिलावट अगर नहीं होगी तो वो उसमें शाइन नहीं आएगी, वो ड्यूरेबल नहीं आएगा, वो इतना हार्ड नहीं होगा। ओके, सो इसी वजह से देखिए शुद्ध सोना बहुत सॉफ्ट होता है, मतलब मुलायम होता है, इस वजह से उसमें उसको आभूषण बनाने में थोड़ा सा तांबा, जिसको हम कॉपर कहते हैं, मिलाने पर कठोर एवं आभूषण बनाने के लिए उपयोगी हो जाता है। तो इसीलिए प्रमुख उपयोग तो इसका यही हो गया कि मूल धातु से ये कठोर होती हैं और
एग्जाम्पल के तौर पे हम सोना को ले सकते हैं कि इसमें तांबा मिलाया जाता है जिससे इसमें थोड़ा सा मजबूती कठोर बनाता है और ये आभूषण बनाने के उपयोगी हो जाता है। ओके, तो ये प्रमुख इसका उपयोग हुआ। और इसका एक प्रमुख उपयोग यह है कि, और देखिए जनरली जो धातुएं होती हैं उसमें किसी तरह का जंग लगने का डर रहता है कि उसमें रस्टिंग हो जाएगी, वो बेकार हो जाएगा, लेकिन मिश्र धातुओं का वायु तथा नमी के कारण क्षरण नहीं होता है, ये इसका एक और उपयोग है। क्योंकि मिश्र धातुएं जो होती हैं उनका वायु तथा नमी के कारण, मतलब एयर और ह्यूमिडिटी की वजह से क्षरण नहीं होता है। लोहे में क्रोमियम मिलाने से, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये आपके लिए कि लोहे में क्रोमियम मिलाने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है जिसमें जंग नहीं लगती है। ओके, सो लोहे में जंग क्यों नहीं लगती, क्योंकि उसमें लोहे को जंग से बचाने के लिए उसमें क्रोमियम को थोड़ा मिला दिया जाता है, और लोहे और क्रोमियम को जब मिला दिया जाता है तो वही चीज़ जो है आपकी वो स्टेनलेस स्टील बन जाती है जिसमें किसी तरह का जंग नहीं लगती है। ओके, आपने देखा होगा कि स्टील, स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें कभी भी जंग नहीं लगती, वो आप चाहे 10 साल रखिए चाहे 20 साल रखिए, क्यों नहीं लगती, क्योंकि उसमें लोहा होता है, लोहे में क्रोमियम मिला दिया जाता है। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि लोहे में क्रोमियम मिलाने से, पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कि लोहे में कौन सी धातु मिलाई जाती है जिससे लोहे में जंग नहीं लगती है, तो वो आपकी क्रोमियम है। और मिश्र धातुओं में जो रासायनिक जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनके द्वारा भी किसी तरह का क्षरण नहीं होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रमुख उपयोग इसका जो विशिष्ट गुण है इसका ये हो जाएगा। ये एक गुण हमने पहले ही डिस्कस किया है कि मिश्र धातुओं के जो गुण होते हैं वो उनके अवयवी धातुओं के गुणों से भिन्न होते हैं। मतलब जैसे हम कॉपर की बात कर रहे थे कि कॉपर प्लस टिन जो है मिलके वो आपका कांसा बनता है, सो कांसा का जो गुण होगा वो कॉपर और टिन का जो गुण होगा, जो तांबा और टिन का गुण है उनसे अलग होगा। ओके, सो इसी को हम कहते हैं, जैसे सोल्डर है, सीसा तथा टिन का मिश्र धातु है। सोल्डर जो है अभी हमने डिस्कस किया, सीसा तथा टिन का मिश्र धातु है। सोल्डर का गलनांक सीसा तथा टिन दोनों के गलनांक से कम होता है। ओके, जैसे सोल्डर की बात, हम यहाँ पे सोल्डर को एज एग्जांपल दिया गया है कि सोल्डर का जो गलनांक है, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है, वो लेड मीन सीसा और टिन इन दोनों के गलनांक से कम होता है, तो ये इसका एक गुण हो गया। इस तरह का यही जस्टिफाई कर रहा ना, इसी प्रॉपर्टी जो आपके नंबर चार प्रॉपर्टी है, गुण है, उसको आइडेंटिफाई जो जस्टिफाई कर रहा है कि मिश्र धातुओं के गुण उनके अवयवी धातुओं के गुणों से भिन्न होते हैं। मीन्स जो अवयवी जिनसे वो धातुएं मिलकर बनी हैं उनसे इनके गुण मिश्र धातुओं के कंपैरिजन में अलग होंगे। जैसे हम गलनांक का एग्जांपल लेके आपको बताया यहाँ पे कि सोल्डर का गलनांक सीसा और टिन दोनों से कम होता है, इसीलिए इन धातुओं का, जो मिश्र धातुएं हैं, इनका उपयोग धातुओं के टुकड़ों अथवा तारों को जोड़ने में किया जाता है। आपने देखा होगा कि सोल्डर को आपने देखा होगा जिसको हम टांका लगाना कहते हैं, तो सोल्डर को टांके लगाए जाते हैं, सो इसीलिए कि धातु के टुकड़ों अथवा तारों को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, देखिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, वो है आपका सोल्डर। इसी मिश्र धातु सोल्डर कॉपर सॉरी लेड और टिन का मिश्रण जो होता है उसी का उपयोग किया जाता है धातुओं में, धातु के टुकड़े हों या तारों हों उसको जोड़ने के लिए, उसकी सोल्डरिंग के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, कुछ विशिष्ट गुण हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम कोई भी उठा के देख लीजिए, जहाँ पे साइंस आपके सिलेबस में है वो पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन। ओके, फिर कुछ मिश्र धातुओं को हम बात करेंगे और इसमें संगठन और उसका उपयोग के बारे में बात करेंगे। कुछ की ये बात हमने बात करी है अभी इससे पहले, लेकिन कुछ और हैं इसमें जिसके बारे में बात करना यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके, देखिए आपने रोल्ड गोल्ड का नाम जरूर सुना होगा, जो आर्टिफिशियल गोल्ड है उसी को हम रोल्ड गोल्ड भी कहते हैं, इसी को हम रोल्ड गोल्ड कहते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, सो 90% से ज़्यादा तो इसमें कॉपर होता है, प्लस 10% जो है वो एल्युमिनियम होता है, तो कॉपर प्लस एल्युमिनियम का जो मिश्र धातु है उसको हम रोल्ड गोल्ड कहते हैं। कहाँ पे इस्तेमाल होगा, गोल्ड है तो जाहिर सी बात है आभूषण और मूर्तियों को बनाने में इसका इस्तेमाल होगा। सिलिका ब्रॉन्ज, एक तो आपने ब्रॉन्ज अभी ऊपर देखा, लेड कॉपर और टिन का जो मिश्र धातु है वो देखा, लेकिन सिलिका ब्रॉन्ज क्या है, तो सिलिका ब्रॉन्ज में कॉपर जो है वो
मोर देन 97%, 97% कॉपर होता है, 2% तक आपका टिन होता है, प्लस 1% एसआई होता है। देखिए ब्रॉन्ज का मतलब क्या हो गया, कॉपर और टिन, लेकिन उसमें 1% के मात्रा में अगर हम उसमें सिलिका मिला देते हैं तो उसको हम सिलिका ब्रॉन्ज कहते हैं। तो सिलिका ब्रॉन्ज का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, टेलीफोन है आपका, टेलीग्राफ है, ओके, इसके तार आदि बनाने में सबसे प्रमुख इसका उपयोग है, जो टेलीफोन या टेलीग्राफ के तार हैं उसको बनाने में होता है। बेल मेटल, बेल मेटल का मतलब क्या होता है, जिसमें आपका 80% कॉपर होता है और 20% टिन होता है। देखिए कॉपर और टिन ही आपका ब्रॉन्ज में भी होता है, लेकिन क्या डिफरेंस है दोनों में, देखिए सिलिका, जो हम सिलिका की ना बात करें, खाली ब्रॉन्ज और बेल मेटल की बात करें, तो ब्रॉन्ज में देखिए आपका 95% आपका कॉपर होता है, प्लस उसमें टिन होता है कुछ मात्रा में, दो चीज़ें होगी, ये आपका ब्रॉन्ज हुआ। लेकिन अगर वही जो बेल मेटल में क्या होता है, ये 80% के आसपास आपका कॉपर होता है, 20% के आसपास आपका टिन होता है। मीन्स जब किसी मेटल में जब कॉपर और टिन, टिन की मात्रा जब बढ़ जाए तो उसको हम बेल मेटल कहने लगते हैं, ओके, लेकिन जब कॉपर की मात्रा ज़्यादा हो, टिन की मात्रा कम हो, तो उसको हम ब्रॉन्ज कहते हैं। और बेल मेटल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जो आपके घंटे बनते हैं, जो घंटियाँ बनती हैं उनका इस्तेमाल, उसकी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो आपका बेल मेटल में किया जाए, इसीलिए उसका नाम ही बेल देखिए रखा गया है, बेल मेटल, ओके, घंटियाँ बनाने में, पुर्जे बनाने में। नेक्स्ट है आपका बेरिलियम। सो बेरिलियम ये भी ब्रॉन्ज की एक वैरायटी है। बेरिलियम ब्रॉन्ज में क्या होता है, 98% कॉपर और 20% आपका बेरियम होता है। कॉपर जो है वो वेरी करता रहता है, 98% लिखा हुआ है, लेकिन ये 80 के ऊपर ही रहता है, 80, 85, 90 इस रेंज में रहता है, और 20% आपका बेरियम रहता है, ओके, सो बेरिलियम, ओके, सो बेरिलियम जो है वो बेरियम का ही एक एलिमेंट है। बेरियम के बारे में आपने पढ़ा होगा, एक एलिमेंट है, और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, जो पेंसिल क्लिप है उसको बनाने में, पेन बनाने में, स्प्रिंग बनाने में, इन सब में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, बेरिलियम ब्रॉन्ज का। और लास्ट है आपका डच मेटल। डच मेटल क्या होती है, डच मेटल में आपका 80% के आसपास कॉपर होता है और 20% के आसपास आपका जिंक होता है, ओके, और ब्रॉन्ज में क्या होता है, ब्रॉन्ज में ही इसी तरह, ब्रॉन्ज में भी आपका कॉपर और जिंक ही होता है, लेकिन उसका कंपोजिशन जो है वो अलग अलग होता है, लेकिन इसमें आपका 80% जिंक कॉपर है और 20% जिंक है, तो उसको हम डच मेटल कहते हैं, ओके। और इसके सबसे प्रमुख उपयोग कहाँ है, मशीनों के कलपुर्जे में, जो मशीनें बनती हैं उसके जो कलपुर्जे या उसके जो पार्ट्स होते हैं उसको बनाने में डच मेटल का ही इस्तेमाल किया जाता है, ओके। ये कुछ मिश्र धातुओं के बारे में हुआ, और मिश्र धातुओं के बारे में हम बात करते हैं इसमें, जो प्रमुख आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए मोनल मेटल, मोनल मेटल में आपका 28% कॉपर रहता है, 2% आयरन और 70% निकल होता है। सो मोनल मेटल में निकल होता है सबसे ज़्यादा, मूर्तियाँ बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ओके। सो मोनल मेटल का इस्तेमाल जो है कहाँ होता है आपका, वो मूर्तियाँ बनाने में होता है। नेक्स्ट आपका कॉन्स्टेंटन, ये आपका कॉन्स्टेंटन एक मिश्र धातु है, इसका उपयोग कहाँ पे होता है, इसका उपयोग जो है वो तार बनाने में होता है, लेकिन इसका कॉम्पोजिशन क्या है, 60% कॉपर और 40% निकल, मीन्स कॉपर ज़्यादा है निकल कम है, मीन्स 60-40 का रेशियो, तो उसको हम कॉन्स्टेंटन कहते हैं। फॉस्फर ब्रॉन्ज एक होता है, फॉस्फर ब्रॉन्ज, तो उसमें 85% के आसपास आपका कॉपर रहता है और 13% टिन रहता है, 2% आपका फॉस्फोरस होता है, ओके, सो इस वजह से इसको फॉस्फर ब्रॉन्ज कहते हैं। देखिए ब्रॉन्ज को तो आपको पता है, ये ब्रॉन्ज अगर है तो उसमें कॉपर और टिन तो होगा ही होगा, जब उसमें हम फॉस्फर मिला देंगे तो फॉस्फर ब्रॉन्ज हो जाएगा, ओके। उसका रेडियो में एरियल तथा पुर्जे बनाने में, रेडियो में जो एरियल है उसको और कुछ कलपुर्जों को बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। मुद्रा धातु जो क्वाइनेज मेटल है, उसमें आपका 95% कॉपर, 10% 4% आपका टिन होता है और 1% आपका फास्फोरस होता है, ओके। देखिए फास्फोरस की मात्रा जब 1% हो तो उसको हम मुद्रा धातु या क्वाइनेज कहते हैं, मेटल, क्वाइनेज मेटल, इसका जो सिक्के हैं उसको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार पूछा गया है,
आपको ध्यान रखना। मुद्रा धातु में किसका, देखिए जितनी भी हमने डिस्कस करी है धातुएं, देखिए कॉपर हर मेटल में जाके वो मिल जाता है, क्योंकि कॉपर का जो कंसंट्रेशन है, जो उसका कंपोजिशन है, वो लगभग लगभग आपका 50% के ऊपर ही रहता है, 50-60% से मोर देन रहता है। लेकिन वो जब और धातुओं से मिल जाता है, जैसे कॉपर के साथ टिन मिल गया या लेड मिल गया या आपका जिंक मिल गया, तो वो अन्य धातुओं को जन्म देता है। सो आपको ध्यान रखना है कि मुद्रा, जो मुद्रा धातुओं में आपका 95% कॉपर रहता है, ओके, टिन कम रहता है, 4% टिन रहता है, 1% के आसपास आपका फास्फोरस रहता है। पीतल, पीतल के बारे में अभी हमने बात की, पीतल को ही हम अल्फा कहते हैं। पीतल में आपका 60-80% कॉपर रहता है और जिंक आपका वो 40 से, मीन्स अगर 60% कॉपर है तो 40% आपका जिंक हो जाएगा, अगर 80% कॉपर है तो वो आपका 20% जिंक हो जाएगा, ओके। तो घरेलू बर्तनों को बनाने में, मशीनों, कारतूसों आदि को बनाने में जो कारतूस बनती है, जो बुलेट्स बनती हैं, वो आपकी पीतल की ही बनती हैं। कांसा, जिसको हम ब्रॉन्ज कहते हैं, अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, 88% कॉपर रहता है, 12% टिन होता है, उसको सिक्कों, बर्तन, घंटे तथा घंटियों आदि को बनाने में किया जाता है, ओके। तो ये इसके प्रमुख कुछ आपके मिश्र धातुएं हो गई, उनके उपयोग, कुछ उनके प्रमुख गुण जो है, विशिष्ट गुण, उसके बारे में हमने बात करी, और कुछ जो इंपॉर्टेंट मिश्र धातुएं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं उसके बारे में हमने बात करी, ओके। तो अगले वीडियो में हम इसी तरह का कुछ और वीडियो लेकर के आएंगे, कुछ और क्वेश्चंस आपके डीएलएड के एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे। आप इनको डीएलएड स्पेशल, मैंने इसको लिखा हुआ है, आपने थंबनेल में देखा होगा डीएलएड स्पेशल लिखा हुआ है, क्योंकि ये डीएलएड के एग्जाम में तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि वो टॉपिक है मिश्र धातु का, तो यहाँ से तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आपसे इससे पूछे जा सकते हैं। अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे होगे, आपने दिया होगा अगर, तो आपको पता होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। धन्यवाद।